जय हिंद मित्रों, उत्तर प्रदेश के जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से एमएससी रसायन विज्ञान में गोल्ड मेडलिस्ट प्रिय बेटी प्रज्ञा त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी आज सम्मानित किया। बतौर मुख्य अतिथि दीक्षांत समारोह में इसरो के मानद प्रोफेसर वाई एस राजन, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय शामिल रहे। सामान्य तौर पर बच्चों की पहचान माता पिता से होती है और होनी भी चाहिए। इससे और भी अच्छा तब होता है जब बच्चों के सुंदर कार्यों से माता पिता को और अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। बेटी प्रज्ञा त्रिपाठी के सुंदर प्रयासों से पिता आदरणीय श्री गायत्री त्रिपाठी जी की प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई है। 2022 के अंत में संघ लोक सेवा आयोग में चयनित होकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की बेटी नेहा सिंह ने डाला का गौरव बढ़ाया और अब 2023 की शुरुआत में ही हमारे छोटे भाई डाला के प्रिय आदरणीय श्री गायत्री त्रिपाठी जी की बेटी सोनभद्र का गौरव प्रज्ञा त्रिपाठी ने जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। बेटी प्रज्ञा, आपको सोनभद्र की धरती से बहुत बहुत बधाई। बेटी प्रज्ञा, हाँ बेटी प्रज्ञा, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी? बलिया से हुई है सर। प्रारंभिक अर्थात प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, क्या दोनों शिक्षा वहीं से हुई? जी सर। अच्छा ठीक है, और हाई स्कूल? बलिया से हुई है सर, ज्ञानपीठ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीरा बस्ती से। इंटरमीडिएट? वहीं से हुई है, जीरा बस्ती ज्ञानपीठ का सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा ठीक है बेटा, और आप ये बताओ विज्ञान की ओर ही आपका झुकाव क्यों गया? जैसे मानविकी वर्ग भी है और वाणिज्य वर्ग भी है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन आपने यूपी बोर्ड ही था या सीबीएसई बोर्ड था आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट? सीबीएसई बोर्ड था। तो इंटरमीडिएट में आपका मैथ ग्रुप रहा होगा? जी सर। तो विज्ञान की ओर ही झुकाव क्यों गया आप, जबकि कला वर्ग या वाणिज्य वर्ग में भी आप पढ़ करके बहुत कुछ कर सकते थे, तो विज्ञान की ओर पढ़ाई की तरफ आपका झुकाव गया, इसकी वजह क्या थी विशेष? विज्ञान प्रैक्टिकल बेस्ड है सर। जी जी, प्रैक्टिकल चीजें मुझे पसंद है जी, इसलिए झुकाव विज्ञान की तरफ किया। ठीक है बेटा, प्राय विद्यार्थी इंटरमीडिएट के बाद ही विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। आपने विज्ञान संकाय से ही स्नातक किया, इसके पीछे क्या वजह थी क्या आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ न जा करके विज्ञान से स्नातक किया? सर मुझे केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनने में ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, और इसी के साथ एक सवाल आता है कि केमिस्ट्री का ही प्रोफेसर क्यों आपने रसायन विज्ञान का ही चयन किया? और भी विषय हो सकते थे विज्ञान के, जैसे मैथ हो सकता था, फिजिक्स हो सकती थी, लेकिन आपने रसायन विज्ञान का ही चयन क्यों किया? शुरू में केमिस्ट्री मुझे बहुत ज्यादा कठिन लगता था, इस वजह से मैंने केमिस्ट्री का चुनाव किया क्योंकि उसे मुझे सरल बनाना था। जी जी, इसलिए चैलेंजिंग चीजें मुझे ज्यादा पसंद है सर। ठीक है, बड़ी अच्छी बात, और इसका हम स्वागत करते हैं कि आप अपने जीवन में चैलेंज स्वीकार करते हैं। पढ़ने के बाद आमतौर पर लोगों का लक्ष्य होता है कि हम पैसा कमाएंगे, आपका भी यही लक्ष्य है या इसके अलावा और कुछ भी है? नहीं सर, पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है। इसके अलावा और क्या लक्ष्य हो सकता है? नॉलेज गेन करना सर। नॉलेज गेन करने के बाद उसका उपयोग क्या है, क्यों आप नॉलेज गेन करना चाहती? ताकि मैं बच्चों को पढ़ा के उनको भी नॉलेज दे सकूं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, और आप ये बताइए कि रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आपसे कहा जाए कि और कुछ नया क्या किया जा सकता है जिससे भारत अपना और सशक्त और मजबूत हो? रिसर्च किया जा सकता है सर, जो चीजें जिसमें हमारी मेडिकल साइंस पीछे है उसमें हम केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके उस चीजों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी जी, मेडिकल के क्षेत्र में स्वागत है आपका, और जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर किया है इसमें आपका खुद का श्रम तो है ही है, इसके अलावा इसका श्रेय आप और किसको दीजिएगा?
अपने मम्मी को, पापा को और हमारे सर हैं हेड ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, उनको। पढ़ाई मम्मी पापा को क्यों? पढ़ाई तो आपने की, मम्मी ने उसमें क्या मदद की आपकी? मम्मी कॉपरेट की सर। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने दी जिससे पढ़ाई आपकी बाधित हो। जी आपको पूरा पढ़ने के लिए समय मिला। जी सर। आपसे पूछा जाए कि देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको क्या लगता है इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, एजुकेशन इंडिया में बहुत पीछे है, स्पेशली लड़कियों के लिए। जी गांव के क्षेत्र में अभी भी लड़कियों को एजुकेशन कम दी जाती है। जी निदान क्या होगा आपसे पूछा जाए, इसका समाधान तो क्या है? अपनी सोच बदलें और लड़कियों को पढ़ाएं। अपनी सोच बदलने के लिए किसको, विशेषकर माताओं को कि पितावर को, कि दोनों संवर्ग को, माता पिता दोनों को? क्योंकि हमारा दोनों भारत, दोनों को सर। विशेषकर हमारा भारतीय जो समाज है पुरुष प्रधान समाज है, जी सर। तो बेटे आगे बढ़ जाते हैं पढ़ाई क्षेत्र में और बेटियां उतना आगे नहीं बढ़ पाती। इसके लिए क्या इसमें कहीं ऐसी कोई बाधा है पुरुष प्रधान समाज होने का? जी सर, गर्ल्स की सेफ्टी नहीं है, जिस वजह से माता पिता उन्हें पढ़ाने से डरते हैं और बाहर कहीं आने जाने से डरते हैं। आमतौर अभिभावकों के लिए क्या कहोगी आप? क्या वे डरें या बच्चों को पढ़ने के लिए मौका दें, उन्हें बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराएं? उनका डरना स्वाभाविक है सर। डरना स्वाभाविक है, माता पिता इसका कैसे निदान करेंगे, इसका क्या उनको राज? अपने बच्चों पे विश्वास करें और उन्हें भेजे पढ़ने के लिए। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और आपसे पूछा जाए कि सोनभद्र की समस्या क्या है आपकी दृष्टि में प्रमुख समस्या? शिक्षा है सर। लगभग देश और प्रदेश और सोनभद्र, आपने शिक्षा का चयन किया, हमें भी काफी कुछ अच्छा लगा कि मूलतः अगर शिक्षा सुधर जाए तो बहुत सारी चीजें अपने आप सुधर सकती हैं। जी एक और सवाल है कि आप अध्यापन के क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई और आप अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ी भी हैं, अध्यापन कर भी रही हैं, सिविल सेवा की ओर क्यों नहीं गई? आप एस भी बन सकती थी, आईपीएस भी बन सकती थी, इस ओर आपका ध्यान क्यों नहीं गया? सर, मुझे प्रोफेसर बनना था इसलिए। प्रोफेसर बनना था, इसीलिए आपने इसको प्राथमिकता दिया कि हम बच्चों के बीच में रहें, कि बच्चों के लिए बेहतर करेंगे। जी इसका ऐसी कोई मुश्किल घड़ी आपको याद हो पढ़ाई के दौरान जिसको आप शेयर करें? नहीं सर, ऐसी तो कोई घड़ी हमारे बीच नहीं आई है। माता पिता का कोऑपरेट हमेशा मिला आपको और अन्य किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं आई? जी सर। और विशेषकर हम चाहेंगे देश के या उत्तर प्रदेश के या सोनभद्र के जो अभावग्रस्त विद्यार्थी हैं, जिनकी पढ़ाई पैसे के अभाव में आर्थिक कारण से बाधित हो जाती है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या कहना है आपका? क्या पढ़ाई में अर्थ का विशेष सहयोग है या अर्थाभाव में विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगी ऐसे विद्यार्थियों के लिए? नहीं सर, अर्थाभाव में भी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। जी, वे निराश न हो। जी, अगर समाज उनका सपोर्ट करे तो। पहले तो उन्हें आगे बढ़ना होगा, खुद मन में उन्हें विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो कि अर्थाभाव के कारण हमारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, मन में विश्वास हो, मेहनत करें तो फिर आगे के भी दरवाजे खुल जाते हैं, लोग सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते जी सर। हैं। इसके अलावा और कोई संदेश विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए, किशोरों के लिए, पढ़ाई के प्रति उनके मन में किस तरह की धारणा हो, क्या करें? सबसे पहले तो वो अपना एम निर्धारित करें, उसके बाद अपने एम के अनुसार वो आगे बढ़े। एम का निर्धारण किस कक्षा से कर देना चाहिए? सर, एम तो 5 के बाद ही होना चाहिए। 5 तो कुल मिलाकर के 10-11 साल का विद्यार्थी बिना गार्जियन के सपोर्ट से कैसे एम निर्धारित करेगा? इसमें तो गार्जियन की भी फिर भूमिका आ जाती है, गार्जियन भी बच्चों को मोटिवेट करें, उनकी रुचि का सर, पता। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, तो फिक्स के स्टैंडर्ड भी बच्चे के लिए काफी अपने एम को निर्धारित करने के लिए। सोशल नेटवर्किंग की क्या भूमिका है युवाओं की पढ़ाई में?
अगर देखी जाए तो सोशल नेटवर्किंग की भूमिकाएं अधिकतर ज्यादा है। बहुत ऐसी चीजें हैं जो टीचर्स नहीं बता पाते, तो वो उन्हें सोशल नेटवर्क साइट से मिल जाती हैं और काफी बेहतरीन बेहतरीन और इजी वे में मिल जाती हैं। सकारात्मक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष बताइए नकारात्मक। मोबाइल जहां बच्चों के जीवन को बना सकता है तो थोड़ी असावधानी होने पर बिगाड़ भी सकता है, इसे कितना सहमत हैं आप? सर, हर चीज का बेनिफिट और नुकस दोनों चीजें होती हैं, बुन और बैन दोनों होता है, तो वही चीजें हैं। कुल मिला के सावधानी के साथ मोबाइल के इस्तेमाल करें, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें, जी सर, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक विद्यार्थी बेहतर कर सकते हैं। बेटी प्रज्ञा, आपने बेहतर किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और थैंक यू सर। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।